हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ जनरल की चारकोल पेंसिल्स का, जिनको आपको पता होगा काफ़ी पॉपुलर हैं। मतलब चारकोल में तो सबसे ज़्यादा फेमस यही है, हर जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो चारकोल में वर्क करते हैं वो इन्हीं को यूज़ करते हैं, और क्यों करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा और इनका रिव्यू दूंगा किस तरह की लगी मुझे। और मैंने इससे एक स्केच भी ड्रॉ किया था जो कि आपने देखा होगा, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँ किस तरह से मैंने शेडिंग की थी और मेरा क्या एक्सपीरियंस था मेरे इन चारकोल पेंसिल्स को यूज़ करते हुए। तो लेट्स सी। सो गाइस, ये हैं जनरल की चारकोल पेंसिल्स। तो ये मेरे पास 5 पेंसिल्स हैं, मैंने रिसेंटली बाय की थी दिल्ली से, आपको भी दिखाया भी था। तो मेरे पास ये 6 भी हैं और 4 भी हैं। 6 भी सॉफ्ट, सबसे ज़्यादा डार्क होती हैं। तो पेंसिल कुछ देख लो इस तरह की, इस कलर की है, कुछ इस तरह से लिखा हुआ है जनरल चारकोल 6 भी सॉफ्ट और 4 भी सॉफ्ट। 6 भी सॉफ्ट सबसे ज़्यादा डार्क होती है, तो इनको यूज़ करके दिखाता हूँ एक बार आपको मैं। तो मैं ये शेड कर रहा हूँ 4 भी से और मैंने कटर से शार्प कर रखी है, तो देख लो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो रही है 4 भी। अब शेड करते हैं 6 भी से, तो देखते हैं 6 भी और 4 भी में कितना डिफरेंस है। देख लो गाइस कितना डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है, 6 भी कितनी ज़्यादा डार्क है और बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ मैं। सबसे मेन चीज़ तो यही है इसकी, क्योंकि चारकोल में जब वर्क करते हैं तो हाईलाइट्स करने पड़ते हैं और ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई नहीं करना होता है, तो ये काफ़ी बढ़िया है और डस्ट प्रोड्यूस कर रही है काफ़ी ज़्यादा जो 6 भी पेंसिल, जो कि आप देख सकते हैं। सो ये है सबसे ज़्यादा डार्क वाली 6 भी सॉफ्ट, इसके ऊपर भी चारकोल लग गया, इसको साफ़ कर लेते हैं। सो लिटरली बहुत ज़्यादा डार्क है और काफ़ी अच्छे शार्प भी होती है, तो बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो ब्लेंड करके देखते हैं किस तरह का इफेक्ट आता है। तो आप देख सकते हैं ब्लेंड भी काफ़ी स्मूथली हो रही है, इसका जो चारकोल है वो मुझे डिफरेंट लग रहा है और पेंसिल से, कैमलिन वगैरह की से डिफरेंट लग रहा है। मैं कंपेरिजन वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है ये, इसको हम यूज़ कर सकते हैं स्किन वगैरह को शेड करने के लिए। 6 भी को ब्लेंड करने से तो काफ़ी ज़्यादा चारकोल पाउडर प्रोड्यूस हो रहा है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं स्किन का टेक्सचर ड्रॉ करने के लिए या फिर कोई भी आपको आसपास का कोई टेक्सचर ड्रॉ करना हो उसके लिए, जैसे कि मैं भी आपको दिखाऊंगा मैंने एक ड्राइंग ड्रॉ की थी। सो लिटरली बहुत बढ़िया है डार्क वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए। 6 भी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, एकदम से डार्क वैल्यूज ऑप्ट हो जाती हैं, ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई भी नहीं करना पड़ता। सो मैं अब आपको ड्राइंग दिखाता हूँ जो कि मैंने इन चारकोल पेंसिल्स का यूज़ करके ड्रॉ की थी कम्प्लीटली। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 4 भी पेंसिल, किस तरह से मैंने ड्रॉ किया था वो मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप। अब इसको ब्लेंड करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रही है जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, तो काफ़ी अच्छे से आप स्किन का टेक्सचर ड्रॉ कर सकते हैं इन पेंसिल्स का यूज़ करके। और अभी तक मैंने 4 भी का ही यूज़ किया है बियर्ड वगैरह के लिए, 6 भी का यूज़ नहीं किया है। 4 भी काफ़ी ज़्यादा डार्क है, मैं रफ पेपर यूज़ कर रहा हूँ, साथ ही साथ मैं स्किन पे भी ब्लेंड कर रहा हूँ जो भी चारकोल पाउडर प्रोड्यूस हो रहा है उसका यूज़ करके, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है कि इतना स्मूथ टेक्सचर हमको देखने को मिल रहा है काफ़ी कम टाइम में। ग्रेफाइट में तो हमको शेडिंग करके फिर इसको ब्लेंड करना पड़ता है, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जो भी आपका चारकोल पाउडर प्रोड्यूस होता है उसको आप ब्रश का यूज़ करके ब्लेंड कर दो फेस पे ही, काफ़ी स्मूथ इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा और बिल्कुल भी आपको शेडिंग नहीं करनी पड़ेगी और बिल्कुल भी ज़्यादा, मतलब बिल्कुल कम टाइम लगेगा आपका, सबसे मेन चीज़ तो ये है। सो इस मामले में जनरल की पेंसिल्स बहुत बढ़िया हैं, जो इनका चारकोल पाउडर है वो लिटरली बहुत ज़्यादा स्मूथ है, जो कि आप खुद ही देख सकते हैं। एक रफ पेपर यूज़ कर रहा हूँ और उस पर भी कितना स्मूथ इफेक्ट देखने को मिल रहा है। हेयर के लिए मैं 6 भी पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, तो देख लो बिल्कुल भी प्रेशर का अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, काफ़ी डार्क वैल्यूज हमको मिल रही हैं रफ पेपर के ऊपर। इसको जब ब्लेंड करेंगे तब देखेंगे किस तरह का इफेक्ट हमको देखने को मिल जाता है। तो अब इसको ब्लेंड करते हैं, तो गाइस देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा स्मूथली ये ब्लेंड हो रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है, इसी तरह की होनी चाहिए चारकोल पेंसिल। तो चारकोल को इस तरह से हम यूज़ करके काफ़ी कम टाइम में रियलिस्टिक ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैं ड्रॉ करता हूँ, मैंने रणवीर सिंह वाली बनाई है तो उसमें मैंने यही मेथड का यूज़ किया है, काफ़ी कम टाइम में ड्रॉ किया है मैंने, और MEA वाले में भी यही मेथड यूज़ किया है मैंने। अब दोबारा से इसके ऊपर से मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ हेयर की डायरेक्शन में, बस हेयर के डायरेक्शन में हमने स्ट्रोक्स लगाने होते हैं, फिर उसको ब्लेंड करना होता है बार बार, जितना आपको डार्क करना है उतने आप लेयरिंग करते जाओ, बाकी बाय द वे चारकोल से तो काफ़ी जल्दी ही हो जाता है। तो ये इरेज भी काफ़ी अच्छे से हो पा रहा है, जो कि आप देख सकते हैं हेयर में जो भी मैं हाइलाइट्स कर रहा हूँ टोम्बोज इरेजर का यूज़ करके, वो भी काफ़ी अच्छे से हो पा रहे हैं।
गाइस ये कंप्लीट हो चुकी है। इसमें मैंने कंप्लीट चारकोल का ही यूज़ किया, जो भी डार्क एरिया थे या फिर फेस पे मैंने ब्लेंडिंग करने के लिए, काफ़ी स्मूथ लग रहा है। तो जिस तरह का मेथड मैंने आपको बताया वही मेथड इसमें यूज़ किया मैंने। हेयर में हाइलाइट्स काफ़ी अच्छे से हो रखे हैं, तो पेंसिल्स काफ़ी अच्छी हैं। सो गाइस जैसे कि आपने देखा काफ़ी ज़्यादा डार्क थी ये, 4B इतने सारे डार्क थे और 6B तो जैसे कि आपने देखा, तो आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है ये और सबसे ज़्यादा मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट इन्हीं को क्यों यूज़ करते हैं। तो आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यही पॉपुलर हैं, जनरल की चारकोल पेंसिल 6B 4B 4B आई थिंक इनफ है अगर आपको अच्छे से ड्राइंग बनानी है, बट काफ़ी एक्सपेंसिव हैं, जो कि 165 की एक मिली मुझे ऑनलाइन, तो आई थिंक वो भी महंगी है। तो मैंने तो वैसे खुद बाय किए हैं, अगर मैं अर्निंग ना कर रहा होता या फिर मेरे तो मैं घर वालों के पैसे से आई डोंट थिंक कि मैं इनको बाय करता। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप खुद आप अर्निंग कर रहे हैं, कमीशन वर्क मिलते हैं तो आप बाय कर सकते हैं, अदरवाइज मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा आप घर वालों के पैसे इस तरह से मतलब 165 की एक पेंसिल लोगे। तो मैं कैमलिन की ही रिकमेंड करूँगा, आप कैमलिन की ही यूज़ कर सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी है, बट ये तो मतलब हाई लेवल की है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके पैसे मतलब ख़राब नहीं जाएंगे, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की पेंसिल है, बिल्ड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। बट जो 4B पेंसिल है वो एक बार टूट गई थी जब मैं शार्पनर शार्प कर रहा था, एक बार पहली बार में टूट गई थी, तो उसके बाद मैंने मतलब रिस्क नहीं लिया। उसके बाद 6B अच्छे से शार्प हो गई थी, 4B टूट गई थी, पता नहीं क्यों हुआ ऐसा। तो उसके बाद मैंने रिस्क नहीं लिया, फिर मैंने कटर से शार्प किया 4B को, बट 6B काफ़ी अच्छे से शार्प हो गई थी और ब्लेंडिंग भी काफ़ी अच्छे से हो पा रही है, बिल्कुल भी आपको बिल्कुल पैचेस नहीं दिख रहे बीच में, और काफ़ी अच्छे से जैसे कि आपने देखा मैंने फेस पे भी शेडिंग कर दी इसी चारकोल पाउडर का यूज़ करके। काफ़ी ज़्यादा चारकोल पाउडर ही प्रोड्यूस करता है जो 6B वाली है, वो काफ़ी ज़्यादा चारकोल पाउडर प्रोड्यूस करता है। तो कॉन्टे पेरिस की पेंसिल से अगर कंपैरिजन करेंगे तो उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ, एक कॉन्टे पेरिस चैन कैमलिन इन कंपैरिजन की वीडियो भी मैं बनाता हूँ जल्दी, बताना कमेंट करके बतानी बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए। तो ये तो मुझे बेस्ट लगी। सो गाइस बस यही था इस रिव्यू में, आई होप ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक डू प्रैक्टिस, डू इम्प्रूव, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।